जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य जजों ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि विशेष लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश द्वारा 16 वादों का निस्तारण किया गया। पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 11 वादों का निस्तारण किया गया। इसके साथ अन्य अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा 84 वादों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण के लिए आयोजित विशेष लोक अदालत में कुल 552 वाद आए, जिसमें 111 वादों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश, अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट नंबर द्वितीय संतोष कुमार गौतम सहित अन्य जज मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, सब लोग तो है विशेष लोक अदालत आज 7 अगस्त 2022 को आयोजित की जा रही है। इसमें जो आर्बिट्रेशन के निष्पादन एक बात जो है उन्हीं का निस्तारण अपर जनपद न्यायाधीश लेवल के स्तर के अधिकारियों के द्वारा निस्तारण किया जाता है और ये हमारे दीवानी न्यायालय परिसर में ही आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो है जो जैसे बीमा कंपनियों के जो सेटलमेंट होते हैं और उनका जो पूर्णतः निपटारा नहीं हो पाता है उनका एग्जीक्यूशन के माध्यम से निपटारा कराया जाता है, उन तरह के मामलों का ये लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराया जाता है।